Hello guys, I am Pritesh here. Welcome to India Voyage. Before we proceed, do subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon and follow us on Instagram, Facebook and Twitter. India में अगर हम traveling की बात करें तो एक जो सबसे fascinating जगह है जो आपने ये जवानी है दीवानी में भी देखी होगी और जिसके बारे में आपने बाबा जी सॉन्ग भी सुना होगा. Yes, I am talking about Manali. तो हमने मनाली को बहुत सारे cinematic frames में, travel vlogs में हर जगह देखा हुआ है. अगर आप गए नहीं भी हो मनाली तो भी आपने मनाली को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा. मनाली से रिलेटेड पिक्चर्स, मनाली के टेंपल्स की पिक्चर्स, माउंटेन्स की पिक्चर्स, आइस की पिक्चर्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स की पिक्चर्स. बट उन सबसे हट के आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो मनाली के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं. एंड आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप मनाली आ रहे हो या आने के लिए प्लान कर रहे हो. सो आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, हिंदू गॉड लॉर्ड विष्णु ने अपना अवतार मनु एक बोट के थ्रू कहीं सेंड किया जिसके पास यूनिवर्स के सीड्स भी थे. तो वो बोट कहाँ गई ये तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट ये बिलीव है मनाली के लोगों का एंड हिस्ट्री का दैट वो बोट मनाली आई. एंड जो मनु टेम्पल मनाली है दैट इज ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु जी मनु. सो मनाली का नाम मनाली से पहले मनुवाला ही हुआ करता था बिकॉज लोगों का बिलीव है कि विष्णु जी का टेम्पल है और ये यूनिवर्स की फर्स्ट एग्जिस्टिंग प्लेस है. ऑल दो जो टेम्पल पहले था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत छोटा सा टेम्पल था, बट 1991 में हिमाचल टूरिज्म और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट करके एकदम टॉप नॉच बना दिया है. मंदिर दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है. उसके अलावा आप मनु टेम्पल में दर्शन कर सकते हो, आसपास ऐसा कुछ नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज टेक सम सिनेमेटिक शॉट्स लाइक वी डिड. तो मनाली आने से पहले हमने इंटरनेट पे भी मनाली के बारे में बहुत कुछ देखा. हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ से एक मैप एक्वायर किया जहाँ पे हमको पता चला कि कौन कौन सी जगह हमको जाना चाहिए. बट यू नो रैंडम प्लान्स आर बेस्ट. तो हम लोग जब घूमने निकले हमने लोकलाइट से पूछा तो हमको एक बंदे ने रिकमेंड किया कि आप रॉकीज़ कैफ़े जाओ जहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और जहाँ खाना भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा. तो जैसे ही हम रॉकीज़ कैफ़े गए तो दिख तो वो काफ़ी छोटा रहा था, बट जैसे ही हम उसके अंदर गए तो इट ओपन्ड अप विद अ व्यू ऑफ माउंटेन्स एंड दे हैव अ रियली नाइस सिटिंग अरेंजमेंट. अब आई बात खाने की, तो खाने में वी थॉट ऑफ ट्राइंग द इसराइली फूड एज रिकमेंडेड बाय द गाय एट रॉकीज़ कैफ़े. तो हमने फिर वहाँ पे फलाफल ट्राई किया. ऑल दो फलाफल हमने बहुत जगह ट्राई किया एंड यहाँ पे भी फलाफल के टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट इट वॉज़ अ गुड मील फॉर दैट टाइम और एक बंदे के लिए तो काफ़ी इनफ है. 250 रुपये उसकी प्राइस थी. सो आई विल रिकमेंड कि आप रॉकीज़ कैफ़े ज़रूर जाओ. और दूसरी चीज़ जो फिर से आप रॉकीज़ कैफ़े में भी कर सकते हो दैट इज़ गो एंड टेक सम गुड पिक्चर्स. अब जैसी शाम ढली तो हमने कैफ़े घूम लिया, मंदिर घूम लिया, स्ट्रीट वॉक कर ली. उसके बाद एक जगह जाना तो बनता है, दैट इज़ द मॉल रोड ऑफ मनाली. तो मनाली की मॉल रोड में आपको लाइव म्यूज़िक मिलेगा, बहुत सारी शॉप्स मिलेंगे, बहुत सारे आफ्टर मैरिज कपल घूमते हुए मिलेंगे, लोग घूमते हुए मिलेंगे, ट्रैवलर्स मिलेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको रास्ते में मिलेंगे. एंड वहाँ पर आपको स्केटबोर्ड करते हुए, स्टंट्स करते हुए, लड़के इधर उधर घूमते फिरते, इन शॉर्ट बड़ा ही कूल माहौल रहता है. मतलब आप वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो और मार्केट प्लेस से हिमाचल सोवेनियर की शॉपिंग भी कर सकते हो. सो साइनिंग ऑफ हियर फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काम में आई हो एंड आप लोग इस रिकमेंडेशन पे डेफिनेटली जा सकते हो. और अगर पहले कोई गया हो एंड रिलेट कर सकता हो इस सारी इन्फॉर्मेशन से तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लिखिए कि आपको ये वीडियो कितना यूजफुल और कितना हेल्पफुल लगा. Thank you so much for watching. Stay tuned, do subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon as always. I am a disco dancer. Not really. I am a disco dancer.